बीते शनिवार को महंगाई पर हुई मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खाने के तेलों की महंगाई पर भी सरकार ने राहत की डोज लोगों को दी है। सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी है। ये फैसला 20-20 लाख टन तेल की खरीद के लिए 2 साल तक के लिए लिया है। इसके असर से अब खाने के तेल की कीमतों में कमी होने का अनुमान है। इन दो तेल के अलावा भी सरकार आने वाले दिनों में राइस ब्रान, कैनोला, पाम कर्नेल और ऑलिव ऑयल समेत दूसरे खाद्य तेलों पर लगने वाले 35% इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने पर विचार कर रही है। पीएमओ ने देश में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कॉमर्स मिनिस्ट्री से ऐसे आइटम्स की लिस्ट मांगी है जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जा सकती है। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में भी कटौती पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही चीनी के निर्यात को भी 10 मिलियन टन तक सीमित किया जा सकता है। इसके पहले पिछले हफ्ते सरकार ने स्टील, आयरन ओर, प्लास्टिक, कोकिंग कोल समेत कई तरह के कच्चे माल पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती की थी। इस कमी के असर से घर बनाने की लागत कम होने के साथ ही वाहनों की कीमतों में भी राहत मिल सकती है। वैसे तो सोमवार को श्री सीमेंट ने सीमेंट के दाम में कटौती का ऐलान करके घर का कंस्ट्रक्शन सस्ता होने का संकेत दे दिया है, लेकिन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी EEPC के मुताबिक महंगाई में कमी का असर अभी स्टील के दाम में 15% तक की गिरावट के तौर पर सामने आ सकता है। आयरन ओर भी 4000 रुपए प्रति टन तक सस्ता हो सकता है। ट्रांसपोर्ट खर्च कम होने से बाकी कमोडिटीज के दाम भी कम होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर बनाने की लागत कम होने से असल खरीदार को राहत मिलेगी। कार कंपनियां भी लागत कम होने की समीक्षा कर रही हैं। अनुमान है कि घटी लागत का फायदा ग्राहकों को दिया जा सकता है। सरकार महंगाई पर लगाम लगाना चाहती है जिससे ब्याज दरों को कम रखा जा सके। ब्याज दर बढ़ने से आर्थिक रिकवरी के पटरी से उतरने का खतरा है। सरकार का लक्ष्य महंगाई में 60-70 बेसिस पॉइंट्स की कमी करना है। ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले दिनों में घर बनाने से लेकर घर की रसोई में बनने वाले खाने तक काफी कुछ सस्ता हो सकता है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।